आ गया ने। के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्या है प्रॉब्लम दीघा में, क्या दूर करेंगे वहाँ पे, समस्या बहुत है। देखिए दीघा विधानसभा का सबसे पहले एक नंबर का जो सवाल है, एक नंबर का जो समस्या है, सबसे पहला सवाल है कि इस पूरे इलाके में इस 15 वर्षों में कहीं भी कोई आशियाना नहीं बना, बल्कि गरीबों का आशियाना उजाड़। तो सबसे पहला सवाल जो है, इन 15 वर्षों में गरीबों की एक भी झोपड़ी नहीं बनी, बल्कि तमाम जगह गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी गई है। इसके खिलाफ सबसे पहले पटना में गरीबों को बसाने के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा करके भी उनको बसवाने का काम करूंगा। इंडस्ट्रियल एरिया जो आज मरणासन की स्थिति में है, हमारे घर का नौजवान बाहर जाता है प्रदेश कमाने के लिए, वहाँ उन्हें अपमान सहना पड़ता है, तो इस पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित करने का काम मैं करूंगी। इसके बाद स्कीम वर्क करें, जिन्हें न्यूनतम मानदेय नहीं मिलता उनके न्यूनतम मानदेय की लड़ाई, सम्मानजनक वेतन की लड़ाई को मैं लड़ूंगी। और इसके साथ आप लोग कैसे साथ दे रहे हैं इन लोग का सर, आप लोग गठबंधन में? हमारा जो गठबंधन है, हमारा जो समावेशी एक दूसरे का एक पूरक है, हम राष्ट्रीय जनता दल का चाहे वोटर और चाहे हमारे माले का वोटर, वो उसी को संबोधन करता है जो गरीब गुरबा जो विकसित नहीं हुई, आज भी 15 साल 30 साल के शासन के बाद आज उन्हें फिर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। शशि जी ठीक नहीं कहा कि आज 15 साल के शासन के दौरान उन गरीबों के झोपड़ियों को नोचा गया, जिसको कि लालू यादव बसाने का काम किया, आज उनको बसाने के लिए आज हमारा प्रत्याशी जो महागठबंधन का है, माले समर्थित हमारा जो प्रत्याशी है शशि यादव, उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। और जो हमारा बेरोजगारी पलायन का इशू है, इन सारे मुद्दों पर हमारी पार्टी जो है कि बेबाक तरीके से पूरे बिहार में लड़ने का काम कर रही है, और इस मुद्दे को अगर हमारी सरकार आती है तो पूरी तौर से इसको हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और हम जनता से अपील करेंगे, पहली बार दीघा विधानसभा को एक संघर्षशील और एक सशक्त महिला के रूप में आपको एक जनप्रतिनिधि मिला है, जिसको आप विधानसभा तक पहुंचाइए, यही हमारा और शशि जी को शुभकामना। आप पटना महानगर अध्यक्ष हैं, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? शशि को जीत हासिल कराने का पूरा जितना भी योगदान होगा, हम लोग सहयोग जो पटना महानगर राजद की तरफ से या राजद परिवार की तरफ से जितना भी कोशिश होगा, कार्यकर्ता सब मिलकर काम करेंगे हम लोग, इनको जीत हासिल करेंगे। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग की पूरी भाजपा माने समेत सीपीआई सीपीएम आरजेडी कांग्रेस और हमारे दर्जनों सामाजिक जो संगठने हैं, तमाम लोग दिन रात एक करके यह संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और विधानसभा में हम निश्चित तौर पर महागठबंधन की प्रत्याशी शशि यादव के जीतेंगे।